पचेरी पुलिस ने निहाल लोट हत्याकांड का खुलासा करते हुए दोस्त की चाकू गोदकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी पुलिस पकड़ से दूर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गर्लफ्रेंड से दोस्त ने दोस्ती कर ली थी, जिससे विवाद हो गया था और दोस्तों ने ही चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी। थानाधिकारी बनवारी लाल ने बताया कि कॉल डिटेल के आधार पर निहाल लोट निवासी करमवीर पुत्र रोहितास आशीष पुत्र अजीत को 24 घंटे में पकड़कर पूछताछ की गई तो दोनों ने प्रदीप के साथ मिलकर कोशिंदर उर्फ रोहित की चाकू गोदकर हत्या करना। हत्या से पहले दोस्तों ने करमवीर के घर शराब पार्टी की थी, जहां प्रदीप चाकू लेकर आया था। मुख्य आरोपी प्रदीप की तलाश की जा रही है। बता दें कि दिवाली के दिन मृतक रोहित रात 11 बजे लहूलुहान हालत में दौड़ता हुआ घर पहुंचा था। रोहित ने परिजनों को रोहितास के घर पर मारपीट व चाकू मारने वाले दोस्त करमवीर आशीष प्रदीप के नाम बताए थे। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। पुलिस टीम में शामिल आरोपियों को पकड़ने में एक टीम तैयार की गई थी, जिसमें थानाधिकारी बनवारी लाल, ASI कैलाश चंद्र शर्मा, HC वीरेंद्र, लीला राम, कांस्टेबल सत्यराज, अमित, कमलेश मोतीलाल, बल्केश आदि शामिल रहे।